आप लोग स्वागत है आपका ड्रीम फूड में। मैं हूं सैफ गुलशन और आज मैं देने वाला हूं गैरो ब्रांड के अपने स्टैंड मिक्सर की फुल रिव्यू, जिसको मैं यूज कर रहा हूं पिछले 1.5 सालों से। और उसका यूज मैं करता हूं स्पंज बनाने के लिए, क्रीम बीट करने के लिए और कुकीज वगैरह भी बनाने के लिए मैं उसका यूज करता हूं। और कोई भी चीज मुझे जब थोड़ा सा अमाउंट में बनाना होता है तो मैं स्टैंड मिक्सर का ही यूज करता हूं। तो चलिए दिखाते हैं अपना स्टैंड मिक्सर, जिसको मैं पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूं और अभी के अभी भी वो वैसे ही काम करता है जैसे मैंने नया लिया था। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आपको अपना स्टैंड मिक्सर। तो दोस्तों ये रहा अपना गारो ब्रांड का स्टैंड मिक्सर, जो कि 5 लीटर में आता है और इसमें होता है टोटल 8 स्पीड होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ में हमें मिला था ये अपना एक विस्कर और एक पैडल मिला था और एक हुक मिला था। और इसके साथ में एक आया था अपना 5 लीटर का स्टेनलेस स्टील वाला बॉल, जो कि काफ़ी लाइट वेट है लेकिन ठीक है, काम चल जाता है अपना। दोस्तों जो अपना ये हुक है इसका मैं यूज़ करता हूँ अपना ब्रेड ओवर का डो मिक्स करने के लिए, और पैडल का यूज़ करता हूँ मैं कुकीज़ का डो बनाने के लिए, और जो विस्कर है इसका यूज़ करता हूँ स्पंज का बैटर बनाने के लिए या कभी कभी कोई डेजर्ट बनाना होता है तो इसका मैं यूज़ करता हूँ। दोस्तों मैंने इसको लिया था, कभी कभी क्या होता है कि अपने यहाँ लाइट नहीं होती है तो अपना जो ये स्टैंड मिक्सर है ये इन्वर्टर पर भी चल जाता है, थोड़ा स्पीड कम देता है लेकिन ठीक है चल जाता है। तो ये आता है टोटल 8 स्पीड के साथ में और काफ़ी लाइट वेट है और इसको आराम से हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी जब हम इसमें थोड़ा हैवी काम करते हैं तो पूरा टेबल को हिला देता है। और पिछले 1.5 साल से मैं इसका यूज स्पंज के लिए करता हूँ, मैक्सिमम स्पंज के लिए ही इसका मैं यूज करता हूँ, क्योंकि क्या होता है इसका जो बॉल है इसमें अपना बैटर काफ़ी अच्छे से घूमता है। और मैं अपने बड़े वाले प्लेनेटरी मिक्सर का यूज स्पंज के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि जो छोटे वाले में जो काम हो जाता है वो बड़े वाले में उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं इसको पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। थोड़ा सा अपना बैंड हो चुका है क्योंकि मैं कभी कभी इसमें 2-2 किलो तक का स्पंज का बैटर घुमा देता हूं, तो जिसके वजह से थोड़ा सा बैंड हो चुका है। अपना अगारो ब्रांड का स्टैंड मिक्सर काफ़ी कमाल का है और इसका यूज़ करके आप घर पर होम मेकर हैं तो केक बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, कुकीज बना सकते हैं और भी सारे डिजर्ट बना सकते हैं। मैं बेसिकली इसको कमर्शियल यूज़ में के तौर पे यूज़ करता हूँ इसको, और डेली का मैं इसको 1 घंटा तक तो डेली यूज होता ही है क्योंकि हमको अपने शॉप के लिए स्पंज बनाना होता है तो स्पंज के लिए यूज होता है। और अगर आप एक होम बेकर हैं, अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं एक स्टैंड मिक्सर लेने के लिए, तो अगारो ब्रांड का ये अपना 5 लीटर वाला स्टैंड मिक्सर काफ़ी किफ़ायती रहेगा। तो हम लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जब इसको चलाते हैं तो पीछे थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो जाता है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, अगर आप इसमें ब्रेड का अगर डो अगर तैयार कर रहे हैं तो आप 1/2 किलो से ज़्यादा का डो न डालें, क्योंकि ये जो अपना स्टैंड मिक्सर है काफ़ी लाइट वेट है और अगर आप इसमें 1/2 किलो से ज़्यादा का अगर ब्रेड का डो अगर बनाते हैं तो मोटर जल सकता है। और ये रही कुछ मतलब जानकारियाँ जो मैं पिछले 1.5 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया। और अगारो ब्रांड का जो स्टैंड मिक्सर है काफ़ी अच्छा है और मेरे पास वो अपना अगारो ब्रांड का OTG भी है, उसका रिव्यू आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।